अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें, आप लोगों की मैं खिदमत में लेकर आई हूँ फ्राइड मसाला चिकन। बहुत ही टेस्टी होती है। आप चाहें तो देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेग पीस में ही बनाएं। ये देखें, अगर लेग पीस में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कट कर लें। अगर आप लेग पीस में बनाना नहीं चाहते, अगर आप इस तरह के बड़ी बोटी में बनाना चाहते हैं घर में, तो आप देखें दोनों में बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि अब यह हम इतनी सारी कहाँ से लाएं, घर में चिकन होती तो आप चिकन के इस पीसेस में भी आप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना है हमने इसमें। हमने चार इन्ग्रीडियंट्स देखे, इस तरह से स्पाइसेस लिए हैं। मैंने ली है ये भरकर 1.5 चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई, और ये पिसी हुई मिर्ची है 1 चम्मच। ये नमक है हस्बे जायका, और ये है भुना कुटा मसाला है, चाट मसाले से हम कह सकते हैं, 2 चम्मचे भरकर। ये सारे आपने स्पाइसेस इस तरह से इसमें डाल देने हैं। उसके बाद करना क्या है कि हमने एक बड़ा लेमन लेना है, बिग लेमन इसे कहते हैं, वो आपने इस तरह से इसमें नहीं छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप चाहे लेग पीस में बनाएं, आप जिसमें चाहे आप मर्जी है आपकी आप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है। और देखें कितनी सिंपल है, ये सिर्फ घर के हैं स्पाइसेस। मैं ऐसे ही आपकी खिदमत में सिंपल सी रेसिपीज लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इस तरह से हमें हाथ की मदद से, अब ज़ारे ग्लव्स तो होंगे नहीं, हर घर में ग्लव्स तो होते नहीं हैं, तो हाथ होते हैं ज़ारे वॉश्ड होते हैं, तो आप हाथ की मदद से ही इस तरह से ये सारी जो चिकन है इसमें सारा आप स्पाइसेस सारा मसाला लगा दीजिए। ये देखिए अच्छे से सारा मसाला मैंने इसके अंदर जब्स कर दिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए वेट करते हैं, ताकि इसका सारा मसाला अच्छे से चिकन में जब्स हो जाए। उसके बाद हम खूब ज़बरदस्त मसालों से इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसे खाएंगे। जी देखें, ये अच्छे से 2 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। आप देखें कितने ज़बरदस्त। अब हम इसको करेंगे, ये देखें इस तरह से, ये मैंने ऑयल लिया है, अब मुझे इसमें डाल के इसको फ्राई करना है अच्छे से। बिस्मिल्लाह, सारे एक साथ डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये सारे गए। ये देखिए अच्छे से, ये जब ये अच्छे से पक जाए फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए अच्छे से ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल कैप्सुली होकर इस तरह से हम निकाल लेंगे। तेल के छीटे आते हैं, बिल्कुल कैप्सुली होकर निकालिएगा इस तरह से। देखें वापस ले गया इस तरह से, जो ऑयल का काम होता है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेट किया कीजिए। ये देखिए एक, ये अच्छे से सारे तिक्के देखे मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए ये सारे इस तरह से बिल्कुल ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करूँगी क्या कि अब ये जो लहसुन है, ये देखिए जिस तेल में मैंने ये बनाया था, बकाया तेल मैंने निकाल दिया है, थोड़ा तेल मैंने इसमें रख दिया है। अब हमें सबसे पहले ये लहसुन डालना है, ये कुटा हुआ लहसुन है। प्याज, हरी प्याज डालनी है इसमें। ये देखिए ये हरी प्याज है, ये सबको आपको सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है, ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी सी आए। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये मसालेदार है। देखिए मेरे मुँह में से तो इतनी मेरे मुँह में तो इतना पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मसाले जाते हैं तो बस मैं आपको क्या बताऊँगी, कितना मज़े के लगते हैं ये। अब ये मैं डालूंगी कस्तूरी मेथी इस तरह से, ये देखें, और ये भरकर 2 चम्मच साबुत धनिया। अब इसको सारा सा मसाला हमें इस तरह से करना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा पता कि वाह क्या चीज़ बनाई है आपने, इतने मज़ेदार होती है ये। ये 7 से 8 अदद है ये साबुत मिर्ची, आपने इसको भी इसमें डाल देनी है। ये देखिए अब आप चाहें इसको बलोची टिक्के बोलें या फ्राई चिकन बोलें, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें इसको बोलना चाहें। ये
ये देखें, अब इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से सौते करना है। ये देखें ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब इस सारे मसाले में हमें ये सारे जो टिक्के थे ये हमने इस तरह से ऐड कर देने हैं। ये देखें कितनी इजी रेसिपी है, कुछ भी नहीं किया। सारे घर के मसाले हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी बनने वाली ये रेसिपी। इसको आप अच्छे से हिलाएं। ये देखें, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि इसके जो ये सारे जो हमने स्पाइसेस जो मसाले अभी हमने डाले हैं वो अच्छे से इसमें जब्स हो जाए। ये यमी एंड मज़ेदार ये टिक्के तैयार हैं। बलोची टिक्का का है या फ्राई मसाला चिकन का है, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको कहना है। ये देखिए कितने मसालेदार, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी खाकर कि कितने यमी और कितने लजीज और मज़ेदार हैं ये। थोड़ा हम मसाला भी ले लेते हैं इसका। ये देखिए थोड़ी ये बोटियाँ भी, ताकि जो दान में नहीं बनाना चाहे लेग पीस में वो बना सकते हैं बोटियों में। चल ये देखिए, चले अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। ये पराठे के साथ ये मैंने तोड़ा पराठा और ये ज़बरदस्त ही, ये देखिए, ये देखिए कितने यमी, कितने मज़ेदार। इसको ठंडे ठंडे दही में करके ये खाया, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और ये तो मैंने तो खा लिया, अब आप भी बनाएं और आप भी खाएं। और जल्दी से जाइए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक ओके अल्लाह हाफिज़।